नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। फतेहपुर जनपद के अमौली मंडल अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ कार्यकर्ता रज्जनलाल त्रिवेदी, पूर्व जिला मंत्री राम भक्त वर्मा और पूर्व क्षेत्रीय कार्यकर्ता श्यामलाल निषाद सहित सैकड़ों समर्थकों ने वर्तमान विधायक और राज्य कारागार मंत्री जय कुमार जैकी को एक नकारा मंत्री साबित कर दिया। जिला मंत्री श्रीमती रेखा मिश्रा और पूर्व जिला मंत्री साहब सिंह गौतम सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने सामूहिक संकल्प किया। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत कहीं भी राज्य कारागार मंत्री की सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अब मौजूद नहीं होंगे। समर्थकों ने बताया कि अब राज्य कारागार मंत्री वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित विधायक है, परंतु पार्टी की राजनीति को उत्कृष्ट करते हुए केवल अपना दल का नाम जगह जगह लोकप्रिय करते घूम रहे हैं। ऐसे विधायक और सत्ता पर समर्थित मंत्री की भाजपा मंडल अमौली के सदस्यों को कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए अनिल कुमार की खास रिपोर्ट जिला फतेहपुर से। कि भारतीय जनता पार्टी भले ही उसी कोटि को टिकट दे, चाहते नहीं उसी को टिकट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही उसको टिकट मिलना। वो ये कहने का अवसर न हो कि हम अपना दल से आए, ताकि हम उससे कह सकें हमारे दबाव में न रहे, हमारे उससे आकांक्षाओं की पूर्ति करें। हम ये चाहते हैं, हमारा एक प्रस्ताव है, अगर हमारे इस प्रस्ताव से आप सब लोग सहमत हो तो हाथ उठा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी ये अपना दल के सीट नहीं, शायद आप सबको ज्ञान होगा कि ये चुनाव में अपना दल की सीट नहीं था। अपना दल की 12 सीटें उन्होंने मांगी थी, वो पूर्वांचल की तरफ से उनको दे दी गई। ये तो जबरदस्ती में पता नहीं कैसे गिफ्ट में चली गई उनके पास, ये उनकी परंपरा सीट नहीं है। तो परंपरागत सीट यदि नहीं है तो इसमें आपकी बारे संशोधन होना चाहिए। इसको वापस करके अपने दल के नाम से नहीं, भले ही वो प्रत्याशी वही बने रहे, हमें कोई ऐसा नहीं, कोई द्वेष नहीं, हम उसी तन मन से उनके साथ जुड़ेंगे जिस तन मन से जुड़ाया था। अगर भविष्य में गठबंधन होता है तो हम लोगों की थोड़ी भावनाएं कुंठित होंगी, तकलीफ होगी, ये सब बातें भविष्य में नेतृत्व के लिए तकलीफ हो सकती है। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरा एक प्रस्ताव लिखा जाए और ये प्रदेश स्तर तक कम से कम जरूर भेजा जाए। हमको